वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहोय। मेरा नाम है तुषार और आज एक बात करूँगा वन रक्षक सीरीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, अमर प्रेम एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ थी कोबी बेड़िया की। एक डिफरेंट एंगल से स्टोरी को पूरा क्रिएट किया गया था और बहुत फेमस हुई थी, और अभी उसके काफ़ी रीप्रिंट्स भी आने वाले हैं, अनाउंस हो गए हैं। और आई थिंक अगस्त एंड या जैसा कि लेट होते हैं मनीष गुप्ता के सेट, वैसे शायद सितंबर में आए। पर अभी अमर प्रेम की प्रिंट्स अवेलेबल है आई थिंक संजय गुप्ता जी के द्वारा। और जो अमर प्रेम की उद्गम सीरीज़ है उसमें तीन बुक्स आती हैं, वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति। तो अमर प्रेम की स्टोरी में ऐसे एपिसोड टाइप के रहते हैं, सीज़न जैसे। तो उसका एक रीडिंग ऑर्डर है, चार शुरू के पार्ट्स और फिर पाँच, फिर चार, ऐसे रहते हैं। और टोटल शायद 15 बुक्स रहती हैं। मैंने कुछ महीने पहले पढ़ी थी वो सारी बुक्स और उसके बाद मैंने ये तीन बुक्स ली। तो अमर प्रेम मैंने डिजिटल में पढ़ी थी और वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति मैंने ऑर्डर करी थी संजय गुप्ता जी से। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास थी और पढ़ने का मुझे मन था और मैं नहीं पढ़ पा रहा था, पर अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये पढ़ी तीनों बुक्स। और इनकी स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, पर वन रक्षक में इसमें कुछ चीज़ें मुझे कंफ्यूजिंग लगी। एक तो कोबी और भेड़िया काफ़ी इंटरचेंज होता रहता है, तो जैसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, शायद गलत होगा, पर भेड़िया का एक अलग लुक रहता है, कोबी का दूसरा। तो इसमें वो इंटरचेंज होके यूज़ होते हैं। इसमें काफ़ी सारी स्टोरी फॉर्मेट में कही गई है और एक्शन फॉर्मेट में। जैसे आप देख सकते हैं ये वाले पैनल्स में स्टोरी मूव होती है, स्पीच कम होती है और बाद में स्पीच से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो इसमें इंटरेस्टिंग वे में काफ़ी अच्छा बताया गया है। दो वर्ल्ड के पार्ट्स हो जाते हैं, एक में जो नेचर होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और एक में काफ़ी प्रकृति और नेचर रहता है। इसमें प्रकृति, प्रलय और नेचर के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस और ग्रीनरी और कौन सी फोर्सेस होती हैं जो ग्रीनरी के अगेंस्ट होती हैं। और कोबी का इसमें, कोबी भेड़िया का जो एक जंगल का जल्लाद से लेकर वन रक्षक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा दिखा है। तो बुक्स का बोलूं तो स्टोरी मुझे वन रक्षक और शापित रक्षक की बहुत अच्छी लगी। समहाउ आहुति में मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ और मुझे लगा कि बहुत बहुत कुछ हो रहा है, लाइक खूब सारे हीरोज़ डाल दिए हैं, फिर जैन का कैरेक्टर, और मतलब मुझे ये फाइनल पार्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होती का बोलूँ तो। तो ये बात हुई स्टोरी की। शायद मैं इसको रिविज़िट करूँ कि एंड में संजय गुप्ता जी का काफ़ी अच्छा एक वन पत्र करके है जिसमें उन्होंने बताया है स्टोरी कैसे, इसमें क्या थीम थी एनवायरनमेंट की और किस तरह से स्टोरी कही गई और किस किस से उन्होंने कोलैबोरेट किया आइडियाज़ के ऊपर। तो ये बात हुई इन बुक्स की स्टोरी की। तो ये मैं बोलूँगा एसेंशियली ही हैं ये तीनों बुक्स पढ़ने के लिए। पर जो नेक्स्ट पार्ट पॉइंट है मेरा, वो मैं बताना चाहता था क्वालिटी के बारे में। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द क्वालिटी इन रीप्रिंट्स का। मैं जैसे पुराने टाइम में जो भी बुक्स आई होंगी उसका मुझे नहीं पता, पर इसका अगर आप देखें तो इसमें जो आर्ट है वो नए स्टाइल का है। जैसे काफ़ी बुक्स आई हैं इसमें डिजिटल टाइप का एक आर्ट रहता है आदिल खान जी का, और आई थिंक बाकी बुक्स में सुशांत पांडा जी का आर्ट है। तो ये पूरा फुल पेज रहता है, इसमें कुछ गटर स्पेस नहीं रहती है साइड में, तो वो ठीक है स्टोरी के एक मूवमेंट के लिए, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। पर इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या, काफ़ी एक प्रॉब्लम ही काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये बाइंडिंग, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो देखें इसमें आप फेस भी नहीं देख पा रहे हैं, फेस तक कट हो जा रहा है। और अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत इसमें फ्रस्ट्रेट होता है बिकॉज इतना सारा इसमें इंफॉर्मेशन है, डायलॉग्स हैं, एक्शन चल रहा है, एक पेज में करीब 6-7 पैनल्स हैं, और उसमें अगर आप ये पेज ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बिल्कुल मज़ा ख़राब हो जाता है। मैं यहाँ पे पेपर क्वालिटी का ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर पेपर क्वालिटी भी इसमें काफ़ी थिन और अच्छी नहीं है जैसी बाकी रीप्रिंट्स आते हैं। तो अगर ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है अमर प्रेम के रीडर्स के लिए और इसका ऐसा रीप्रिंट आ रहा है तो इसमें काफ़ी क्वालिटी इशू मैं बोलूँगा। और ये मैंने ये बुक्स पढ़ने के बाद देखा कि शायद एक में प्रॉब्लम होगी, बट ये प्रॉब्लम सब में ही चलती रही। इसमें बहुत ही रीडिंग में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको बार बार ऐसे करके इसको पढ़ना पड़ता है और इसका जो हैंड में फीलिंग आती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आती पढ़ने में। तो पढ़ने में काफ़ी टफ रहती है बुक। इसकी वन रक्षक सी ही आई थी पर अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो पता नहीं शायद उसमें ये प्रॉब्लम थी या नहीं।
मैंने वीडियोस में देखा देखना चाहा पर ज़्यादा कहीं ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। फिर ये तीसरी बुक आउट थी, इसमें तो मैं स्टोरी से ही डिसअपॉइंट हो गया था, तो इसमें मुझे ये वाली प्रॉब्लम भी कंटिन्यू ही रही इसमें। पर आप जैसे देख सकते हैं जिस तरह से पेज टर्न होते हैं इसमें काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है, पढ़ने में भी काफ़ी टफ है ये। ये ग्लॉसी नहीं है, मैट है, तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि इसमें बाइंडिंग का इशू है। एक कंपैरिजन के लिए आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ और बुक्स जो रीसेंट रिप्रिंट्स आए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं, जैसे ये एक हल्ला बोल अभिशप्त, और ये 5 बुक का सेट था नरक नाशक नागराज का। तो आप इसमें देखें तो कितनी, इसमें भी वैसा ही आर्ट है, पूरा फुल पेज आर्ट, बट कितना अच्छा इसमें रीडेबिलिटी है, बाइंडिंग है, आपको लास्ट तक मिलेगा, और एक ब्लैक गटर स्पेस है जो बहुत अच्छा पेज पे ब्लेंड होता है, और इसकी इसमें जो प्रॉपर स्टोरी को आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारी बुक्स में वैसा ही है, इसमें पेजेस जबकि ज़्यादा ही हैं अमर प्रेम उद्गम की बुक से, पर इसमें कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है बुक्स को टर्न करने का, पेज को टर्न करने का, और यही बात चलती रहती है बाकी बुक्स में भी। और अगर आप आतंक हर्ता नागराज, ये एक और सीरीज़ है जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, पर ये एक वापस कॉमिक्स कलेक्ट करने के बाद मैंने ये पूरी सीरीज़ पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इसमें जो इस तरह का कलर पैटर्न्स हैं, फॉन्ट्स हैं, वो आपको मकर जाल जो ध्रुव की सीरीज़ है वैसा ही कुछ मिलेगा, डिजिटल टाइप का, और एक डिफरेंट टाइप का रीडिंग एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा कलरफुल सा और बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, ये मस्ट हैव सीरीज़ है। नागराज का एक बिल्कुल नया स्पाई टाइप का, जेम्स बॉन्ड जैसा स्टाइल है इसमें, और पूरी फॉरेन में लोकेशंस में ये है। इसमें भी देखें तो बाइंडिंग कितनी अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ने में। और मैं कुछ बाकी की बुक्स भी देख रहा था, तो जैसे अंतर्ध्वन धिक्कार और ये बुक्स हैं भोकाल की, इसमें तो प्रॉपर वाइट जैसे भोकाल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है वैसा ही आता है, तो इसमें बाइंडिंग का कुछ इशू नहीं आता, इसमें आप पूरा पेज के एंड तक देख सकते हैं। और ऐसे ही भोकाल की कुछ और बुक्स हैं जैसे ये तिलिस्मा, तो ये पुराने तो बहुत ही अच्छे रीप्रिंट्स आते हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है ही नहीं, ये आप पूरा पेज के एंड तक पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा रेंट मैंने किया, पर इसके बारे में यही बताना चाहता था कि ऐसे अगर आप निकाल रहे हैं बुक्स और इसका ऑलमोस्ट प्राइस 130 है, तो मतलब वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। आप कलेक्टर्स और रीडर्स वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, और उसमें अगर आप ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं और जो रीडिंग है वही बेसिक अफेक्ट हो जाती है, तो ज़्यादा ठीक नहीं लगता है मुझे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यू शेयर कीजिए। और मुझे तो ऑलमोस्ट लगता है कि जब इनके और रिप्रिंट्स आएंगे मुझे ये लेने पड़ेंगे, बिकॉज़ ये आई वॉन्ट टू रीविज़िट, क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हुआ ये बाइंडिंग के चक्कर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये एक वीडियो बनाना चाहता था मैं इन मेरे व्यूज़ के बारे में, इनकी स्टोरी के बारे में। मैं ज़्यादा कुछ बुराई नहीं कर रहा, स्टोरी अभी भी अच्छी है, और इनकी ये एक मस्ट रीड है, जो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ राज कॉमिक्स है अमर प्रेम और इसकी उद्गम श्रृंखला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस वॉज पैनल डेज़।